हेलो फ्रेंड्स, अल्टीमेट फूडी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इन दिनों नवरात्रे चल रहे हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले नवरात्रे की शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्थी रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बनाने में आसान है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चुकंदर की सब्जी। फ्रेंड्स, ये चुकंदर की रेसिपी बिल्कुल यूनिक है। आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से चुकंदर की बनी हुई सब्जी नहीं खाई होगी। फ्रेंड्स, मेरी इस रेसिपी को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने स्वादिष्ट चुकंदर की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है आधी किलो फ्रेश चुकंदर मीडियम साइज के, जिसे मैंने अच्छे से धोकर इसके ऊपर की लगी हुई मिट्टी को अच्छे से साफ कर दिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, इस पे बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से धो लिया हमने इसे। अब हमें इन चुकंदर को अच्छे से छीलना है, तो हम यहाँ पे चक्कू की हेल्प से इस सारे चुकंदर को अच्छे से छील लेंगे। हमें यहाँ सबसे पहले लेना है एक चुकंदर, जिसकी दोनों साइडों को हम इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे और बहुत ही ध्यान से इनके छिलकों को उतार लेंगे। इस तरीके से आप चक्कू की हेल्प से सारे चुकंदर के छिलकों को आराम से धीरे धीरे सारे छिलकों को उतार लें। आप यहाँ पे चुकंदर के छिलके को उतारते समय काफ़ी ध्यान दें, ताकि आपके हाथ ना कट जाएं, क्योंकि ये काफ़ी टाइट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जल्दी में होते हैं और हमें चीज़ें जल्दी में बनानी होती है, जिसके वजह से हम लापरवाही कर देते हैं और जल्दी जल्दी के चक्कर में हमारा हाथ चाकू से कट जाता है। तो यहाँ पे आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान से चुकंदर को काटना है। ये देखिए कितनी आसानी से छिलके उतर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चुकंदर अच्छे से छिल चुका है। तो हमने यहाँ पे सारे चुकंदर इसी तरीके से छील कर तैयार कर लिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चुकंदर का कलर कितना डार्क है, हमें जैसा चुकंदर चाहिए था ये चुकंदर बिल्कुल वैसा ही है। तो अब हमें इन सारे छिले हुए चुकंदरों को पीसेस में काट लेना है। यहाँ पे मैंने एक चुकंदर लिया है, जिसे मैं टुकड़ों में काट रही हूँ। हमें यहाँ चुकंदर को पीसेस में कट करना है। हमें यहाँ पे फ्रेंड चुकंदर के पीसेस को ना ज़्यादा मोटा कट करना है, ना ज़्यादा पतला कट करना है, हमें इसे मीडियम साइज की ही कटिंग करनी है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा मोटा कट जाएगा तो इसे पकने में काफ़ी टाइम लगेगा, और अगर ये ज़्यादा पतला कट जाएगा तो इसका खाने में स्वाद अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इसे हमें मीडियम साइज का ही काटना होगा, जिससे कि इसे किसी भी बर्तन में हम आसानी से बना सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चुकंदर कट गया है। हम इस तरीके से सारे चुकंदर को काट लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चुकंदर का पीस ना तो ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है। हमें इसी तरीके से पीसेस में चुकंदर को काटना है। अब हमें यहाँ पे चुकंदर की सब्जी बनाने के लिए पेस्ट तैयार करना है। इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे दो बड़े साइज़ के टमाटर कटे हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल फ्रेश हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे लेंगे चार हरी मिर्च, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 काली मिर्च के दाने, और साथ ही हम लेंगे आधा चम्मच जीरा। अब हमें इन सब चीज़ों को करना क्या है कि हम इन सब चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट को एक कटोरी में शिफ्ट कर लिया है। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे हमने गैस पे कढ़ाई रख ली है और गैस को ऑन करके कढ़ाई को कर लेंगे अच्छे से गर्म। आप चाहे तो यहाँ पे कढ़ाई की जगह कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस सब्जी को ज़्यादातर कुकर में बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी। यहाँ पे घी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा देसी घी डालना है तो आप ज़्यादा देसी घी डालिए, अगर आपको थोड़ा देसी घी डालना है तो आप इसमें थोड़ा देसी घी डालिए। आप इस सब्जी को देसी घी में ही बनाइएगा, क्योंकि इससे इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होगी आपकी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हमें यहाँ पे ऐड करना है आधा चम्मच जीरा। हम इस चुकंदर की सब्जी को वर्द के हिसाब से बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप चाहें तो आप इसे नॉर्मल भी बनाकर लंच डिनर में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे जीरा ब्राउन हो चुका है, अच्छे से भुनकर तैयार है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे वही वाला पेस्ट जो हमने पहले
पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसी पेस्ट को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छे से चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। इसे हमें स्लो मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। मसाले हैं इसलिए हाई फ्लेम पे जलने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए इन मसालों को बहुत ही ध्यान से भूने। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मसाले हमारे सारे अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे टेस्ट अकॉर्डिंग सेंधा नमक ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है, तेल भी यहाँ पे हमारा सेपरेट हो चुका है। तो अब हमें इस स्टेज पे ऐड करनी है कटी हुई सब्जी। तो मैंने यहाँ पे सारी कटी हुई सब्जी ऐड कर दी है। इसके बाद में कटी हुई सब्जी और मसालों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। हमें इन मसालों और सब्जी को 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लेना है और साथ ही इस बात का यहाँ पे खास ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को स्लो मीडियम फ्लेम पे ही रखें। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी चुकंदर की सब्जी मसालों से अच्छे से मिक्स हो गई है और साथ ही सब्जी में से खुशबू भी बहुत प्यारी आने लग गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स सब्जी के चारों तरफ देसी घी भी ऊपर की तरफ आ गया है। तो ऐसी स्टेज पे अब हमें ऐड करना है इसमें पानी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम 2 से 3 कप पानी ऐड कर देंगे। अगर ये सब्जी आपको थोड़ी थिकनेस में चाहिए तो पानी कम ऐड करें और अगर आपको ये थोड़ी लिक्विड ज़्यादा यानी कि रसीली ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें थोड़ा अधिक मात्रा में भी पानी ऐड कर सकते हैं। ये चुकंदर की सब्जी है तो हेल्थी भी बहुत ज़्यादा है, साथ ही ये बनकर भी बहुत स्वादिष्ट तैयार होती है। कई बार हम नवरात्रों के व्रत में आलू से बनी हुई चीज़ों को खाते खाते बोर हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कुछ हमें यूनिक सा मिल जाए जिससे कि हमारे मुंह का टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर आप एक बार भी इस तरीके से चुकंदर की सब्जी बनाकर खा लेंगे तो हर बार व्रतों में आप इसी तरीके से चुकंदर की सब्जी बनाकर खाना पसंद करेंगे। कई बार व्रतों के दौरान हमारी बॉडी में हमें वीकनेस महसूस होने लगती है, तो ऐसे में अगर हम इस तरीके से चुकंदर की सब्जी बनाकर 9 दिनों के नवरात्र के व्रत में अगर आपने 2 से 3 दिन भी इस चुकंदर की सब्जी को बना के खा लिया तो आपको नवरात्रों के व्रत में बिल्कुल भी वीकनेस महसूस नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसे हम कुछ मिनटों के लिए ढक के पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसे पकते पकते 5 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं अभी हमारे चुकंदर अच्छे से नहीं गले हैं, हमें इसे फिर से कुछ मिनटों के लिए ढक के रखना होगा। तो मैं इसे फिर से प्लेट से ढककर कुछ मिनटों के लिए पकने के लिए गैस पे छोड़ दूंगी। अब हम फिर से ढक्कन हटा के चेक कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने चलाकर देख ली, अभी भी हमारी सब्जी अच्छे से ठीक से पकी नहीं है, हमें इसे फिर से दोबारा ढक के पकाना होगा। क्योंकि ये चुकंदर की सब्जी है इसलिए इसे पकने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे कुकर में ही बनाएं। कुकर में ये बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाता है। अब मैं फिर से इसे ढक के 5 से 7 मिनट तक के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं ढक्कन हटा के चेक कर लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी बनकर तैयार है। ये देखिए चुकंदर के पीसेस सारे अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इस हेल्थी एंड टेस्टी चुकंदर की सब्जी को सर्व करेंगे एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स बताइए लग रही है ना ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा हेल्थी एंड टेस्टी। फ्रेंड्स सच्ची सच्ची बताना इस सब्जी को देखकर आपके मुंह में भी आ गया ना पानी। तो इसे बनाने में देरी किस बात की, इसे झटपट बनाकर ट्राई कीजिए। ये चुकंदर की सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है कि ये सिंगाड़े के पराठे, पूड़ी या फिर सावा के चावल, ये चुकंदर की सब्जी सबके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लाजवाब खाने में बेमिसाल लगती है। अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।